नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस मौके पर हम मौजूद हैं कुर्ला में। कुर्ला के शाखा शिवसेना शाखा 168 विभाग पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और उसके साथ ही शिवसेना शाखा 168 की तरफ से मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। आइए हम बातचीत करते हैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं से, किस तरह का आज का आयोजन था, किस तरह का आज का उनका कार्यक्रम था, उनका आज़ादी का अमृत महोत्सव का। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश को स्वतंत्र होके 75 साल हो गए। आज देश अमृत महोत्सव में जा रहा है। वो स्वतंत्र दिन के लिए शिवसेना शाखा 168 की तरफ से यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम के लिए एक मेडिकल कैंप रखा है। हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज का उद्घाटन होने के बाद ये कैंप चालू हो गया है। वैसा ही यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा रखा था, जो स्वातंत्र संग्रामी जो शहीद हुए लोगों के लिए वो गाना बोल रहे थे। इसके ये छोटे छोटे कार्यक्रम यहाँ पे अभी सुवर्ण अपना अमृत महोत्सव के लिए अपन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के अमृत महोत्सव के बारे में? आज के अमृत महोत्सव के अब 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए, इसलिए हम लोग ने आज दो तीन कार्यक्रम लिए। एक तो ऑर्केस्ट्रा था, बाद में एक बोन्स के ऊपर जो हड्डियों के जो बीमारी रहती है वो बीमारी के तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बोन्स रहे थे वो डैमेज होके बाद में आपको बुढ़ापे में मालूम पड़ता है कि अपने बोन्स का प्रॉब्लम था। तो इसलिए हमने एक बोन्स के ऊपर शिविर रखा था, इसलिए आज बहुत से युवाओं ने, महिलाओं ने और बुढ़ा मतलब बुजुर्गों लोग ने, युवाओं ने, सब ने इसका लाभ उठाया है। तो बाद में जो हमारे सभासद नोनी थी उसके बारे में भी हमने जो सभासद नोनी की शिवसेना की वो भी ज्येष्ठ लोगों को उसका ओळख पत्र मतलब ये रहते हैं कार्ड रहते हैं आइडेंटिटी कार्ड वो भी हम लोग ने दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसा हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि ऑर्केस्ट्रा था, लेकिन ऑर्केस्ट्रा की खासियत यही थी कि सभी के सभी गाने देशभक्ति पर थे। एक मतलब एक आज संदेश जाएगा युवाओं को, छोटे बच्चों को, देशभक्ति के लिए उनके दिल में और इज्जत पैदा होगी। और जैसे आपने देखा मेडिकल कैंप भी है, जो हमारा शिवसेना का गेले पिछले 10 दिन से कैंपेन चल रहा है, फोटो आईडी सभासद नोंदी, उसका भी हस्त डिस्ट्रीब्यूशन वरिष्ठ पदाधिकारी के हस्ते किया। और मतलब अभी तक हर साल ये होता है, पिछले 2 साल छोड़ के इस साल थोड़ा अमृत महोत्सव के कारण थोड़ा ज़्यादा जितना अच्छा हो सकता है उतना कोशिश किया है। मैं आज अपने स्वतंत्र दिन के अमृत महोत्सव पे आज सभी भारतीयों का आज मैं बधाई देना चाहूँगा। और आज का दिन ऐसा है जो हमारे शूरवीर थे जिन्होंने ये आज का अपने को आज ये दिन निकलाया, जो भारत के शूरवीर थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिए, इसके वजह से आज अपन आज ये दिन मना रहे, उनको आज याद करना, आज के सही मायने में उन आज का ये स्वतंत्र दिन उनके वजह से चिराई हो रहा है। तो मैं सभी भारतवासियों को उनकी इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। वैसे आज 15 अगस्त पूरे भारत में जो मना रहे उसका आज एक अलग ही स्वरूप है, क्योंकि हर साल 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, लेकिन ये रौप्य स्वतंत्र दिन का ये सुवर्ण महोत्सव है। और हम लोग इसलिए नसीबान है कि ये इस 75 साल में हम लोग को ये दिखने को मिल रहा है, आज घर घर पे झंडा वंदन हो रहा है, तो आज ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि उसके आज हम सब उसके साथीदार हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो कुर्ला शिवसेना शाखा की तरफ से आज जो यहाँ पे आरोग्य शिविर का आयोजन किया है, तो भारत माता के ऊपर जो गीत रखे हैं, देशभक्ति पे गीत रखे, तो जो कार्यक्रम ऐसे हो रहे पूरे देश में हो, ऐसे पूरे कार्यक्रम चल रहे, तो सभी भारतवासियों को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी। आपने जो हमारे देश के वीर जवान हैं जो बॉर्डर पर अभी भी हैं और हम लोग अमृत महोत्सव यहाँ पे मना रहे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज वो है, इसलिए हम लोग इधर मतलब सुख शांति से जी रहे हैं। उनको यही मेरी तरफ से शुभकामना रहेंगी, आप वो हमारे देश की ऐसी ही सेवा करें और हमारे देश को ऐसा ही चिरायु बना रहे, यही संदेश देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आज के अमृत महोत्सव पर? हमारे शाखा क्रमांक 168 जो शिवसेना युवा सेना के तरफ से जो इधर कैंप चल रहा है, और हमने ऑर्केस्ट्रा लिया, ऑर्केस्ट्रा भी मतलब सब देशभक्ति पे गीत गा रहे हैं। एक हमारे तक्केवाड़ एरिया है कुरला का, जो इधर युवाओं को संदेश एक भेजा कि स्वतंत्र अपना 75 ईयर्स हो गए स्वतंत्र दिन के, तो अमृत महोत्सव पर एक शाखे के तरफ से एक कार्यक्रम लेते हैं और रक्तदान शिविर वगैरह भी लेते हैं शाखे, वो शाखा क्रमांक 168 के तरफ से। अभी तक कितने मतलब लाभार्थियों ने लाभ लिया है, मतलब कितने ज़रूरतमंद अभी तक आ चुके हैं? अभी तक 70 के ऊपर चले गए हैं, 70 के ऊपर, और अभी तक 3 बजे तक ये चालू रहेगा, तो और 100 हो सकते हैं, 100 के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने, यहाँ पर कुरला में तक्केवाड़ इलाके में यहाँ पर शिवसेना शाखा 168 के तरफ से यहाँ पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप की खासियत ये है कि जो जिन लोगों को हड्डियों का कोई भी रोग होता है उस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और इसलिए शिवसेना शाखा ने इस मेडिकल कैंप को लेने का ये निर्णय लिया कि इसमें हड्डियों के लिए ही स्पेशली एक कैंप रखा जाएगा, ताकि जो जरूरतमंद है वो उसका लाभ ले सके। मैं मनीषा जोशी, कैमरामैन हर्षद कामले के साथ, मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।